हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि एक सरप्राइज़ आने वाला है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल भी आई, मैसेजेस भी आए कि मैम आखिर वो सरप्राइज़ क्या है। तो वो सरप्राइज़ मैं बता देती हूँ क्या है। तो सरप्राइज़ है कि एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रही हूँ मैं, ठीक है, जिसका नाम है फियरलेस माइंड्स, ठीक है। तो आप लोग वेट कर रहे होंगे कि मैम ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होगा इसमें। देखो, इसमें दो चीज़ें मैं लेकर आऊँगी स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे चीज़ों को, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो, ठीक है। तो हम क्या क्या लेकर आने वाले हैं वो बता देती हूँ मैं। एक है वैदिक मैथ्स और एक है मेंटल एबिलिटी, या फिर हम रीजनिंग बोल सकते हैं। अब वैदिक मैथ्स क्या होता है, देखो, कोई भी हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो उसको कैलकुलेशंस ईजी करने का जो तरीका होता है उसको हम वैदिक मैथ्स बोलते हैं। देखो, एग्ज़ाम कोई भी आप दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसको क्रैक करने के दो तरीके हैं। पहला, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है, और दूसरा कि आपको शॉर्टकट मेथड्स बताऊं। कैलकुलेशन फास्ट तभी होगी, दो तरीके से आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, या तो आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपको उसके भी शॉर्टकट मेथड्स पता है, जैसे कि वैदिक मैथ से बताया जाएगा, कोई भी कैलकुलेशन आपने करने काफ़ी इजीली कर पाओगे। कितनी भी बड़ी डिजिट्स हैं उनका आपस में जैसे मल्टीप्लाई करना होगा, किसी भी नंबर को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें क्या होगा कि आपको एक टाइम लगता है, ठीक है। तो वो टाइम क्या करोगे, आप पेपर यूज़ करोगे, पेन यूज़ करोगे, कम से कम 10-15 सेकंड लोगे, लेकिन हमें 10-15 सेकंड भी अगर हम बचा लेंगे तो एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएंगे। एग्ज़ाम में बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करो कम टाइम में, ठीक है। जिस बच्चे ने ये चीज़ अगर अपना ली तो उसका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मैं ये बता देती हूँ कि ये कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि वैदिक मैथ्स और मेंटल एबिलिटी जो कौन कौन कर सकते हैं। तो देखो, वैदिक मैथ्स जो है ये एक तो है कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास 5th से लेकर प्लस 2 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ये वैदिक मैथ्स की सेशन ज़रूर देखें, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे, ठीक है, कि बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, हरियाणा SSC हो गया, इन सब के लिए आएगा। एक एग्ज़ाम होता है 10th के बाद NTSC का, जिसका क्या मतलब है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये 10th के बाद बच्चा दे सकता है। इसमें मेंटल एबिलिटी आती है एक तो, जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो उसमें आप मेंटल एबिलिटी भी यूज़ करोगे और वैदिक मैथ्स कहाँ यूज़ करोगे, कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। अब देखो, वैदिक मैथ्स कौन कौन यूज़ कर लेगा, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो जाएंगे एक तो, उसके अलावा जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, हरियाणा SSC हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, या फिर NTSC की आप तैयारी कर रहे हो जो 10th के बाद होता है। किसी को ये पता करना हो कि ओलंपियाड्स और NTSC क्या होते हैं, ठीक है, तो उसका एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। तो वैदिक मैथ्स ओलंपियाड्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मेंटल एबिलिटी भी ऐसे ही है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी कौन यूज़ करेगा, एक तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जितने भी हैं आपके, ठीक है, उसके अलावा NTSC में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेंटल एबिलिटी का। और अगर आप ये देखो कि स्कूल में आपने ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें भी रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी का एक अलग से सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप ये क्लासेस लगा सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे मैंने अभी जो आपको बताया कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग के, SSC के, हरियाणा SSC के, या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स लोगे तो मेंटल एबिलिटी का एक अलग से ही रोल होता है, ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो सिर्फ ये बताने के लिए बनाया है कि अभी हम एक चैनल बनाएंगे जिसका नाम है फियरलेस माइंड्स। उसमें हम डेली की एक वीडियो डालेंगे, एक दिन आपका वैदिक मैथ्स का सेशन रहेगा और एक दिन आपका मेंटल एबिलिटी का सेशन रहेगा, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। और ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि कितना मतलब इसकी फ़ीस रहेगी, पेड है क्या है, तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फीस आपके नहीं लगेगी इसमें। लॉकडाउन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, देखो कि पेरेंट्स है वो स्कूल की फ़ीस भी पे कर रहे हैं, ट्यूशन फीस भी दे रहे हैं, ठीक है, तो एक बर्डन सा उनके ऊपर आ गया है। काफ़ी पेरेंट्स स्टूडेंट्स कैसे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, अब प्राइवेट सेक्टर में हैं तो उनके ऊपर सीधी सी बात है बर्डन तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि आज के दिन में अभी इतना ज़्यादा भी लॉकडाउन अगर खुल भी गया तो प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियोस बेसिकली उनके लिए है कि जो फीस पे नहीं करते हैं, जो फीस पे नहीं कर पा रहे एकेडमी पे, तो उनके लिए मेन ये है। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स यूँ बोल रहे थे कि मैम देखो हम बोर हो रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हमें कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आप बना के दीजिए। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपकी रहने वाली है, काफ़ी एंजॉय आप करेंगे मेंटल एबिलिटी में भी और वैदिक मैथ्स में भी। कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप अगर देने वाले हैं, ठीक है। तो आप आराम से, अब आपको एक बार बता दिया जाएगा
जब भी आपका जैसे वीडियो अपलोड होने वाली होगी तो उसको आपको एक बार बता दिया जाएगा कि आपके जो वीडियो है ये कल हम डालेंगे या फिर आज हमको डालने वाले हैं, तो टाइम के साथ मेंशन कर दिया जाएगा। आप वो हर एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। और एक आधी चीज़ हम और इंटरेस्टिंग क्या लेकर आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी बुक रिकमेंड करें, कहाँ से हम प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस हम यहीं करवा देंगे आपको सारी, वो स्पेशल बुक परचेज करने की भी कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी आप यहाँ क्वेश्चंस करोगे उसका फिर हम कई बार क्विज रखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि हम कितने कॉम्पिटिशन में हैं। अब जितने ज़्यादा बच्चे ऐड होंगे ना, ठीक है, उसी में ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आज अगर आप यहाँ 100, 200, 500, 1000 या 2000 बच्चे ऐड होते हो, ठीक है, उसमें आपका कंपटीशन है, कल को आप जो कंपटीशन में बैठोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो उसमें लाखों में आपको बीट करना पड़ेगा कंपटीशन में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि इंटरेस्टिंग ये वीडियोस आएंगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, आप फर्स्ट वीडियो से ही पता लगा लेंगे कि कितना यूज़ आपको होगा इसमें, ये ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं कि मैम हमें कुछ और करना है, कोई और सब्जेक्ट करना हो, जैसे अगर ये दोनों क्लासेस आप अच्छे से रेगुलर लगाएंगे, ठीक है, तो हम हो सकता है कि जीके का भी हम पोर्शन लेके आएँ, ठीक है। जीके में जैसे करंट अफेयर्स अपना रहता है, करंट अफेयर्स भी हो गया, और जो स्टैटिक अपने जीके रहती है, ठीक है, स्टैटिक तो कभी चेंज होगी नहीं मोस्टली, तो उसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे अगर आप क्लास रेगुलर लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो, ठीक है। तो आज का मेन मोटिव यही था बताने का कि जो मैंने बोला था कि सरप्राइज़ जो मैं लेकर आ रही हूँ, तो सरप्राइज़ आप सबको पता लग गया होगा, एंड आई होप आपको पसंद भी आया होगा। सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए फियरलेस माइंड।